हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, बीएआरसी टेस्ट सीरीज में आज अपना टेस्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अभी अगर आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो तीनों की ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। पहले आपको 12 मिनट्स के लैम लगानी है, 10 क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व करना अच्छे से। क्वेश्चंस ना स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सिंपल आते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको बस ध्यान रखना होता है कि स्पीड मेंटेन रखनी है, ठीक है। और जिसमें स्टार्टिंग के 5 to 6 क्वेश्चंस हैं वो बीएआरसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करना और वहाँ से आपको एग्जाम के लेवल का आइडिया भी हो जाएगा। पहले जाके अपना अटेम्प्ट करके आओ टेस्ट, उसके बाद आंसर्स मैच करना एक बार, उसके बाद देखना सोल्यूशन। तो पहले आंसर्स मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जिस भी ऑप्शन के आगे एस्ट्रिक मार्क है वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे सेकेंड का ऑप्शन ए, थर्ड बी, फोर्थ सी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ डी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ ऑप्शन डी एंड टेंथ ऑप्शन डी, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन के आगे एस्ट्रिक लगा हुआ है वही आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पूछा गया था बीएआरसी 2020 वाले एग्जाम में, और ऐसा ही एक सिमिलर सा क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड 2019 में भी आया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, वहाँ से आप करके जाना ये वाला पोर्शन, हो सकता है फिर से क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर ना बात हो रही है एन एन प्लस टू एन प्लस फोर लिखा हुआ है, इसी को हम एम एम प्लस टू और एम प्लस फोर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एम बाय जेड की वैल्यू हम तो देख रहे होते हैं, वैसे ही मास की बात हो रही होती है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर ना देखो बी आर और सी एल है अपने पास, जब मास की बात है यानी कि हमने ये वाला आइसोटोप लिया 35 सी एल और यहाँ पे 79 बी आर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास m की वैल्यू आएगी। अभी क्या करना है, हमने इस मास को 2 से इंक्रीज करना है, तो दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तो मैं 35 वाले को सी एल कर दूँ ऐसे और इसको 79 ही रहने दूँ, है ना, एक ऑप्शन तो ये है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा ये हो सकता है कि आप सी एल को तो 35 ही रहने दो और बी आर को 81 ले लो, दूसरे वाला आइसोटोप, मास में 2 का डिफरेंस है ना, ऐसे करके। तो ऐसे ओवरऑल इस वाले केस में भी आपका मास जो है वो प्लस 2 से इंक्रीज़ हो जाएगा और इस वाले केस में भी प्लस 2 से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एम प्लस 4 की, आपको ओवरऑल मास को 4 से इंक्रीज़ करना हो तो यहाँ पे 35 के प्लेस पे हम 37 वाला सी एल ले लेंगे और बी आर के प्लेस पे 81 वाला ले लेंगे। तो ऐसे करके 2 का इंक्रीज़ यहाँ से हुआ, 2 का यहाँ से हुआ, टोटल 4 का हो गया, ठीक है। अभी आते हैं तो यहाँ पे अगर हम रेशो की बात करते हैं तो नेचुरल अबेंडेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3:1। अगर हम बात करते हैं 79 बी आर और साथ में 81 बी आर की, तो ये कितना है, 1:1 आता है, है ना। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, इसके लिए 3 है, इसके लिए 1 है, तो यहाँ पे 3:1, ठीक है। यहाँ पर आओ, इसके लिए 1 है, इसके लिए भी 1 है, 1:1, बीच में लगाएंगे प्लस, इसके लिए 3, इसके लिए 1, 3:1। यहाँ पर आते हैं, दोनों के लिए 1:1 होता है, दैट मीन्स 3, यहाँ पे 3+1 4 और यहाँ पे 1, 3:4:1, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सेकंड देखो, यहाँ पर बात हो रही है मैक्सिमम वेवलेंथ की एसीटोन के लिए, तो ये अपने पास एसीटोन है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की, दो ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, एक तो पाई वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो पाई स्टार में चले जाएँ, एक तो पाई टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन है, ये अलाउड है, और दूसरा हम कार्बोनिल कंपाउंड से पढ़ते हैं नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन। अगर सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ ये वाला अलाउड होता है, है ना। अभी स्टार्ट करते हैं, एक चीज़ देखना, अगर हम बात करें पाई टू पाई स्टार वाले ट्रांजिशन की, अगर आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक कर लेना, 2 आवर्स की वीडियो है, सारा कंप्लीट हो जाएगा उसमें। मान लो ये अपने पास पाई लेवल है, ये पाई स्टार है, ठीक है। अभी ना अपने पास 3 दे रखे हैं सॉल्वेंट, एक है वाटर, एक है इथेनॉल, एक है इथेनॉल और एक है एसिटोनाइट्राइल CH3CN, ये 3 है। अगर हम बात करते हैं पोलैरिटी की, तो यहाँ पर क्या है, जो पाई स्टार है यानी जो एक्साइटेड स्टेट है वो ज़्यादा पोलर है, तो अगर मैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करती हूँ तो इंटरेक्शन बढ़ेगी पोलर सॉल्वेंट के साथ, यानी कि इसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। सो पाई अपने लेवल पे ही रहेगा, एक्साइटेड स्टेट वाले की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास मान लो नॉन पोलर सॉल्वेंट है और हमने क्या किया है, पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया है, पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते ही पाई स्टार ज़्यादा
इंटरेक्ट कर पाएगा पोलर सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा है यहाँ पे, एनर्जी डिक्रीज कर गई, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि नॉन पोलर के कंपैरिजन में पोलर वाले केस में डेल्टा ई जो है वो डिक्रीज कर गया है। और हमें ये पता है कि जो डेल्टा ई है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एनर्जी डिफरेंस तो कम हो गया लेकिन वेवलेंथ तो बढ़ गई, हमें वेवलेंथ का ही ऑर्डर बताना था। यानी कि हम सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर लेंगे लैम्डा वैक्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे वाटर सबसे आगे आएगा, उसके बाद इथेनॉल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलर वाटर ही होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है इसका, है ना। तो जब भी हमें पोलैरिटी डिसाइड करनी होती है तो हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और लास्ट में यहाँ पे एसीटोनाइट्राइल, ये पोलैरिटी का ऑर्डर है, तो हम ये मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ए। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने पाई टू पाई स्टार नहीं, उसने पहले चेक किया एन टू पाई स्टार। एन टू पाई स्टार में क्या होगा, लेट्स से ये एन है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, और ये पाई स्टार है। अब इस वाले केस में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे पोलर सॉल्वेंट के साथ। तो जैसे ही हम नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट में शिफ्ट करेंगे तो इंटरेक्शन इस वाले लेवल की ज़्यादा हो गई, ये तो अपने प्लेस पे ही रहेगा। जबकि इसकी इंट्रैक्शन कम हो, इसकी इंट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी। लेट्स इसकी एनर्जी इतनी हो गई, अभी क्या हुआ, ओवरऑल जो ये एनर्जी डिफरेंस है वो तो इंक्रीज़ कर गया। और अगर एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज़ करेगा सो वेवलेंथ तो डिक्रीज़ करेगी, ठीक बात है। तो इस वाले केस में सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा लैम्डा मैक्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। सो वाटर सबसे लास्ट में आना चाहिए, फिर आना चाहिए इथेनॉल, और सबसे आगे आना चाहिए CH3CN, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसे वाले तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये वाला है, लेकिन क्या कर रखा है, इथेनॉल को लास्ट में रखा हुआ है, तो नहीं हो सकता ये वाला भी, ठीक है। दैट मीन्स ये आंसर जो था वो आपको पाई टू पाई स्टार के बेसिस पे ही करना था, हम ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रॉन्ग है, ये वाला क्वेश्चन भी BARC 2020 का ही है। यहाँ पर देखो इसकी स्पिन जीरो ही होती है, आपने एक सिंपल ध्यान रखो, अगर कोई भी मास नंबर जैसे यहाँ पे 16 है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो फिर उसकी स्पिन जीरो ही होती है, देते मार्क कर देना, ठीक है। 19F की हाफ होती है, ये वाला भी ठीक है 3 होती है। अगर यहाँ पे 11 वाला इसका आइसोटोप होता तो उसके लिए स्पिन होती है 3/2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अगर नाइट्रोजन 14 लेते हैं तो उसके लिए क्या होती है, स्पिन होती है 1 के इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही इसका इनकरेक्ट है। देखो ये वाला क्वेश्चन है BARC 2019 का, आप देखो सेम कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से समझ में आया है, पहले नहीं पता था कॉन्सेप्ट, ये पहले खुद से करके देखो एक बार। यहाँ पे M है, M+2 है, M+4 है, तो इस बार अपने पास दोनों ही हैलोजन कौन से Cl हैं। तो पहले मैंने लिया 35Cl और दूसरे वाला भी ले लिया 35Cl, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें M+2 की, पहले मैंने इसको 37 ले लिया, नीचे वाले को 35 ही रखा। सेकेंड टाइम पे सेकेंड वाले केस में हमने क्या, इसको 35 ही रखा, इसको 37 कर दिया, ठीक है। ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं। अब आते हैं M+4 पे, दोनों को ही 37 लेना पड़ेगा तो ही मास में 4 का इंक्रीज हम दिखा सकते हैं इस तरह से। अब वैल्यूज़ लेते हैं, इसलिए 3, इसलिए भी 3, 3×3, इसके लिए 1, इसके लिए 3, 1×3 प्लस इसके लिए 3, इसके लिए 1, 3×1 दोनों के लिए 1, कितना आया 9:6:1 ऑप्शन सी। ओके ये वाला क्वेश्चन भी BARC 19 का ही है। इजी क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ो, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। इसमें इन्होंने कहा है कि कोई न्यूक्लियस है N, N का मतलब नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस है N, उसकी वजह से स्प्लिटिंग हुई है और स्प्लिटिंग होने के बाद क्वार्टेट आया है, ठीक है। और जो क्वार्टेट है उसकी इंटेंसिटी रेशो आपको गिवन है 1:1:1, ठीक है। आपको बताना है न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी इस वाले न्यूक्लियस की। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है 2Ni+1, क्या दिखाता है, ये नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी। और क्वेश्चन में दे रखा है कि स्प्लिटिंग की वजह से क्वार्टेट आया है, यानी कि 4 लाइंस आई हैं, करेक्ट है, क्वार्टेट मतलब 4 लाइंस आई हैं। तो बस कितने न्यूक्लियस हैं, एक ही न्यूक्लियस है, तो n को मैंने 1 रखा, स्पिन तो हमें कैलकुलेट करनी ही है, +1=4, 2i+1=4, 2i=3 एंड i=3/2, करेक्ट है, मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। 6th क्वेश्चन देखो, ये भी BARC 19 का ही क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आ रहा है, 2020 में भी आया
और ये 19 में भी आया है, तो आपको यूवी विजिबल पढ़ के जानी है। ये बात क्विक रिविजन के लिए आपने डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, प्लेलिस्ट है वहाँ पे, उसमें आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिल जाएगी। ओके, लैम्डा मैक्स की वैल्यू का करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब देखो सारे सिस्टम कैसे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं सारे, है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है वुडवर्ड फिशर रूल्स का, तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि देखो इस वाले केस में ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम हो गया, इसके बाद कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड नहीं है जो इसकी कॉन्जुगेशन को इन्हेंस कर पाए, उसको फर्दर एक्सटेंड कर पाए, है ना, ये नहीं है। बट इस वाले केस में क्या, यहाँ पे देखो ऐसे दिखाया हमने, ऐसे दिखाया ये वाला डबल बॉन्ड है इसकी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये वाला डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स जब भी कोई डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करता है तो वहाँ पे हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। आपको ना एग्जैक्ट वैल्यूज अगर नहीं भी पता तो सिंपल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। अगर कोई डबल बॉन्ड होता है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेगा तो हम +30 करते हैं, जितनी वैल्यू आएगी टोटल करके सब कुछ लगा के, ग्रुप्स वाला ले के या फिर नॉर्मल बेस वैल्यू लेके, उसमें हम +30 करते हैं अगर कोई कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने वाला है तो। अब इन दोनों में एक एक पाई बॉन्ड्स है कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने के लिए, बट इसमें कोई भी नहीं है तो एक ही वैल्यू तो हो गई सबसे कम। इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, अगर हमें इन दोनों का देखना है तो यहाँ पर क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड एक्सटेंड करने वाले तो दोनों हैं, लेकिन ये क्या है अपने पास, होमो एनुलर है, होमो एनुलर सिस्टम है, यानी कि एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड्स हैं। तो इस वाले केस में अगर हम +39 करते हैं तो सिर्फ इसकी वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इस वाले केस में ये हिट्रो एनुलर है, दूसरे वाला डबल बॉन्ड दूसरे वाले रिंग में है, सही है। तो इस वाले केस में बी आपका सबसे आगे आएगा, फिर आएगा सी और फिर आएगा ए। इसमें होमो एनुलर सिस्टम होने की वजह से +39 होगा ओवरऑल वैल्यू में, इसकी वजह से वैल्यू उसकी ज़्यादा आएगी, तो ऑप्शन डी मार्क करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बताना है स्ट्रक्चर कौन सा होगा कंपाउंड का, 1HNMR के आपको वैल्यूज दे रखे केमिकल शिफ्ट की। तो यहाँ पर ना 7.331, 7.21 ये दोनों वैल्यूज मुझे देख के समझ में आ रहा है कि कौन से हैं, ये एरोमेटिक रेंज की वैल्यूज हैं, है ना। अगर हम एक नॉर्मल बेंजीन सिस्टम लेते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 7.25, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है तो। अभी देखो वैल्यू जो है वो 7.25 के आसपास है, यानी कि एरोमेटिक रेंज तो है, ये ग्रुप लगने की वजह से आगे पीछे हुई है वैल्यूज। तो हम ये बोल सकते हैं कि एरोमेटिक रेंज में ना दो सिग्नल आए, यानी कि दो टाइप के प्रोटॉन्स होने चाहिए। यहाँ पर आते हैं, इस वाले केस में जैसे ये वाला प्रोटॉन है वैसा ये वाला भी है, तो इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, ऐसे ही इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। इस वाले केस में भी सिमिलर केस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ से, जैसे इसमें था, तो यहाँ पर भी दो ही सिग्नल आएंगे एरोमेटिक रेंज में। यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी सेम ही केस है, इसको स्फीयर कंसिडर कर लो, एक स्फीयर को कंसिडर कर लो, यहाँ से कट करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे भी, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों सेम और ये दोनों सेम, तो मतलब यहाँ पे भी एरोमेटिक रेंज में दो ही सिग्नल आएंगे। इस वाले केस में देखो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो इस वाले एच का अलग सिग्नल आएगा, यहाँ से वन, यहाँ से सेकंड सिग्नल, इस वाले एच का थर्ड सिग्नल और इसका फोर्थ सिग्नल। तो अगर ये वाला कंपाउंड आंसर होता तो हमें एरोमेटिक रेंज में चार पीक्स देखने को मिलती, हैं तो सिर्फ दो ही, तो इसको देख के हमने ऑप्शन डी को तो कर दिया एलिमिनेट, ऑप्शन डी हटा दिया, ठीक है। ऑप्शन डी हटाने के बाद बाकी देखते हैं वैल्यूज और कैसे कर सकते हैं। अब ना इसके बाद है दो एच हैं जिनकी वैल्यू आई है 4.5 पे, जिनकी पीक आई है 4.5 पे, और तीन एच की पीक आई है 2.3 पे। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये 2H है और ये 3H है, ठीक है। 2H को ये बोल रहे हैं 4.5 पे आएगा और ये आएगा 3H जो ये आएंगे 2.3 पे, सही है। अब देखो ये कैसे अपने पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसकी वैल्यू इतनी हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना, तो ये हटा दिया मैंने यहाँ से। जब तक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ना लगा हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वैल्यू इतनी ज़्यादा पहुँचेगी नहीं 4.5 तक, करेक्ट है, तो हमने हटा दिया इसको। यहाँ पर आते हैं, इस वाले केस में देखो जो तीन ये एच हैं ये तो मिथाइल से आ जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही एच है, तो ये 2H वाली बात बन नहीं रही कहीं पे, यहाँ पे 2H है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने वैसे हटा दिया, ये हमने वैसे हटा दिया था क्योंकि एरोमेटिक रेंज में दो से ज़्यादा पिक्स आ रही थी। कौन सा बचा, ये वाला बचा। यहाँ पे क्या होगा, ये तीन एच है इनकी आ रही 2.3 पे, आ सकती है, ये है दोनों CH2 ऐसे। तो इस वाले कार्बन से क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इन एच की पिक्स पहुँच सकती है 4.5 तक, इसलिए हम ऑप्शन बी मार्क करेंगे। एट्स देखो, इनमें से आपको बताने ऐसे कितने कंपाउंड्स हैं
विच विल हैव ओनली टू सिग्नल्स इन द 1H NMR स्पेक्ट्रम इन 3:2. अब ये रेशो कैसे डिसाइड करते हैं? रेशो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे. पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि दो सिग्नल दे कौन से रहे हैं, फिर रेशो भी देख लेंगे बाद में. यहाँ पर आते हैं इस वाले केस में. देखो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये वाला ग्रुप भी क्या है, COCH3, ये भी क्या है, COCH3. सो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है. अगर इस वाले एच को आप ए कहेंगे तो इस वाले एच को भी ए ही कहना पड़ेगा, इक्विवेलेंट है. ऐसे ही अगर ये एच बी है तो ये भी एच बी हो जाएगा, ये CH3 है, ये भी CH3 है. यहाँ से इसको सी कहोगे तो ये भी सी हो गए, यानी कि यहाँ पे क्या ए बी सी, यानी कि तीन सिग्नल आएंगे. यहाँ लिखा हुआ दो सिग्नल आने चाहिए, हटा दो इसको. यहाँ पर आओ, इस बार भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है यहाँ से, ठीक है. सो यहाँ से इस एच का एक सिग्नल आएगा, यहाँ से ए, इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, इसका आएगा थर्ड सिग्नल, और ये हो गया फोर्थ सिग्नल. चार सिग्नल आएंगे टोटल, तो इसको भी हटा दो. यहाँ पर आते हैं इस वाले केस में. देखो यहाँ से भी प्लेन है, दैट मीन्स अगर ये एच ए है तो ये भी एच ए, और अगर ये एच बी है तो ये भी एच बी, ठीक है. अब एक चीज़ और देखना, अगर ये सी एच लगाया मैंने, अगर ये सी है तो इन वाले एच को भी आप सी ही बोलेंगे. आप कहेंगे तीन सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे एक और प्लेन प्रेजेंट है, ये वाला प्लेन यहाँ से पास करता हुआ. इसकी वजह से क्या हुआ, जैसा ये वाला एच है वैसा ही एच ये वाला भी है, तो अगर इसको आप ए बोल रहे हो इसको भी ए ही बोलो, क्योंकि प्लेन से वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे एच ए है तो ये भी एच ए ही हो गया. तो यहाँ पे अपने पास इन चारों का एक ही सिग्नल आएगा, और इन दोनों का कितने टोटल, सिक्स है ना, सिक्स प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आएगा. तो यहाँ पे हमें टोटल दो ही सिग्नल देखने को मिल रहे हैं. रेशो देखते हैं कितना है, 6:4, ये चार प्रोटॉन का, ये सिक्स प्रोटॉन्स का, ये फोर प्रोटॉन्स का है, यानी कि कट कर लो 3:2 हो गया. दैट मीन्स दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो पक्का है. आगे आते हैं, देखो ये CH3 और ये CH3, अगर ये वाला एच ए है तो ये भी ए ही होंगे, और ये वाला CH3 वाला CH2 सेम है, यानी कि यहाँ से अगर आप इनको बी कह रहे हो तो फिर इनको भी बी कहो. दैट मीन्स 4HB हैं और 6HA हैं, बात वही हो गई, 3:2 आ रहा है यहाँ से भी. दैट मीन्स इन दोनों के जो सिग्नल्स आएंगे वो इन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं. कैसे फुलफिल कर रहे हैं, देखो दो सिग्नल आ रहे हैं और साथ में 3:2 भी दे रहे हैं, तो आंसर हो गया 2. नंबर ऑफ कंपाउंड्स पूछे थे. 9 देखते हैं. ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट ऑफ द लेबल्ड प्रोटॉन्स. जो ये वाला एच है ये अटैच्ड है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, यानी कि जो वैल्यू है वो 2 से 3 ppm के बीच में रहेगी, है ना. यहाँ पर आते हैं, ये है OCH3, इसकी वैल्यू रहती है 3.5 से लेके 4 ppm के बीच में. आपको ये याद होनी चाहिए, क्वेश्चन करने में हेल्प कर देता है. अब आते हैं यहाँ पर, जो ये वाली कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सिट्यूएंट से भी अटैच्ड है, और हम ये कहते हैं अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और वो अटैच्ड है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सिट्यूएंट के साथ में, तो उसकी वैल्यू है वो 2 से 5 के बीच में कहीं पे लाई कर सकती है. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सिट्यूएंट से तो अटैच्ड है ही, इसलिए इन दोनों की वैल्यूज़ 2 to 5 के बीच में कहीं पे लाई करेगी. उसके साथ ही में इसके नेक्स्ट वाली कार्बन कौन सी है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इससे भी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज करेगी. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि hy की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सिट्यूएंट होने की वजह से वैल्यू 2 to 5 से तो पहुंच ही रही है ना. अगर मान लो 4 तक भी पहुंच रही है तो कुछ तो ये भी इंक्रीज कर देगा, इसको तो एक्सीड कर ही जाएगी. तो HY सबसे आगे, फिर HX, और सबसे लास्ट में सबसे कम किसकी है, HZ की, ठीक है. कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो देखो है तो सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स ही. यहाँ पर लगा हुआ है Cl, ये लगाएगा माइनस आई लगा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो मैक्सिमम तो इसी की हो गई. इस वाले केस में एस्टर है, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सही, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं. उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ दे रहा है तो क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड आएगा, इधर ओ माइनस हो गया, और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आया प्लस, ठीक है. तो पहले क्या था अपने पास, पहले कार्बन डबल बॉन्ड ओ ही था, अभी जो बना है वो भी कार्बन डबल बॉन्ड ओ ही है, तो वैल्यू तो जितनी पहले थी इसके कॉन्जुगेशन से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा,
इनफैक्ट पहले CO था और कॉन्जुगेशन की वजह से ऑक्सीजन भी प्लस चार्ज में आ गया, तो स्ट्रेंथ तो इसकी और ज़्यादा बढ़ गई। ये वाला CO अगर ख़त्म हुआ है तो दूसरे वाला एक CO बना भी है ना, और ऊपर से उसके ऊपर प्लस चार्ज भी आ रहा है, तो स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब हमने इस तरह से दिखाया, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों में, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, आराम से डिलोकलाइज करवाएगा, सिंगल कैरेक्टर आएगा इसमें, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, थ्री सबसे लास्ट में लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे फोर्थ, करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो इस तरह से अपना ये टेस्ट कम्प्लीटली सॉल्व होता है। आई होप आपकी रिविजन अच्छे से हो गई होगी। कल मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, हैप्पी लर्निंग।